AIAMEU आखिर क्यों फॉर्म किया गया? जब लगातार स्ट्राइक हो रहा हो तो आप समझ जाओ कि इसमें कुछ न कुछ तो दम है। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है AIAMEU की तरफ से, वो स्ट्राइक इनिशिएट कब होगा? AIESL के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के राइट्स, वेलबींग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है। और आप समझो, सोचो कि 7 साल तक अगर किसी का प्रमोशन नहीं होगा तो वो कितना फ्रस्ट्रेट, कितना डिमोरलाइज हो जाएगा। यूनिफॉर्म लाओ ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म, एक ही फॉर्म में सारे लोग दिखने चाहिए। आप यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मायसेल्फ राजीव रंजन एंड यू आर वॉचिंग द एविएशन माइंड। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर क्यों AIESL के टेक्नीशियंस, ट्रेनी एमी, सपोर्ट सर्विस इंजीनियर को एक बार फिर से स्ट्राइक करना पड़ रहा है। जो पहला स्ट्राइक था उसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज बनाया था, वो 2022 में हुआ था। तो ऐसा क्या रीजंस है कि 2024 में भी स्ट्राइक करना पड़ रहा है? तो सारे इश्यूज को डिकोड करने वाले हैं और टॉप 5 ऐसे रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस को दोबारा से स्ट्राइक करना पड़ रहा है 2024 में। और मेरा रिक्वेस्ट ये है आप लोग से कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सके, ताकि अपर मैनेजमेंट तक ये वीडियो पहुँचे और AIESL के जो भी टेक्नीशियंस हैं, जो भी सपोर्ट सर्विस इंजीनियर्स हैं, जो भी इसको झेल रहे हैं, उनको कुछ हेल्प हो सके, मैनेजमेंट तक ये बात पहुँच सके जो मैं चीख चीख के आपके सामने बोल रहा हूँ, उनको ये सारा पॉइंट समझ में आए। मैं बहुत सारे मीडियाज़ में देख रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल छप रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़ निकल के सामने आ रहा है, बट कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा है खुल के। सो गाइस देखो, ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग यूनियन AIAMEU, अखिल भारतीय विमान अनुरक्षण अभियंता संघ। तो ये क्या है? आखिर इस यूनियन को क्यों फॉर्म किया गया? सिंपल सी बात है, मैं एक मिनट लूंगा आपको इसको समझाने में कि AIAMEU आखिर क्यों फॉर्म किया गया। देखो, 2022 में AIESL के टेक्नीशियंस ने स्ट्राइक किया था, उसके बाद इनके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि एक यूनियन बनाया जाए। और यूनियन सिर्फ AIESL नागपुर बेस के लिए नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया के टेक्नीशियंस के लिए ये यूनियन बनाया गया, ताकि किसी को भी अगर कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, एविएशन इंजीनियरिंग के वेलफेयर के लिए ये यूनियन बनाया गया है। तो इसके जो सेक्रेटरी हैं वो प्रशांत कुमार सर, डिप्टी सेक्रेटरी सूरज कुमार सर एंड प्रेसिडेंट जो हैं वो शशि भूषण कुमार हैं। सो देखो, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर कोई भी स्ट्राइक क्यों होता है। जब लगातार स्ट्राइक हो रहा हो तो आप समझ जाओ कि इसमें कुछ न कुछ तो दम है। 2022 में स्ट्राइक हुआ, उस टाइम पे मैनेजमेंट ने AIESL के टेक्नीशियंस को संतावना दिया, यानी कि होप दिया कि हाँ, जो जो आपका डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक 2 साल होने को है, वो डिमांड धरा का धरा ही रह गया, वो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली आखिर स्टाफ क्या कर सकते हैं? उस चीज़ को तो झेल नहीं सकते हैं, अपना आवाज़ उठाना है। और हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें अपना आवाज़ उठाना कोई भी एंगल से गलत नहीं है। ऑल इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग यूनियन यानी कि AIAMEU के तरफ से एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के जो CEO एंड मैनेजमेंट है उनको मेल किया गया है। तो उस ईमेल के ड्राफ्ट में सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है AIAMEU की तरफ से, वो स्ट्राइक इनिशिएट कब होगा, यानी कि स्टार्ट कब होगा। 23 अप्रैल 2024 को ऑल ओवर इंडिया से जो भी इंजीनियरिंग स्टाफ हैं वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, स्पेशली AIESL के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस। AIAMEU का ये कहना है कि जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं ये लाइटली नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, कुछ रीज़न है तभी ये स्ट्राइक कर रहे हैं। बहुत सोचने के बाद ये स्ट्राइक किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इशूज थे जो अनरिजॉल्व थे, उस पर मैनेजमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है, कंटिन्यूसली निगलेक्ट किया जा रहा है, इस पर मैनेजमेंट फेल कर रही है, जो कि AIESL के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के राइट्स, वेलबींग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है। ऑब्वियस बात है, अगर आपका डिमांड फुलफिल नहीं होगा तो सबसे मेन चीज़ जो होता है वो प्रोफेशनल ग्रोथ विद इन द कंपनी। अगर आपका ग्रोथ ही नहीं होगा तब आप किस काम के लिए जॉब कर रहे हो, किस काम के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, जो कि रियल मायने में एक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस करता है। सो अब बात करते हैं वो रीजंस पे जिसकी वजह से मेनली ये स्ट्राइक किया जा रहा है। सबसे फर्स्ट रीजन जो है वो है प्रमोशन। तो अगर मैं बात करूँ AIESL के टेक्नीशियंस की, जो भी स्ट्राइक पे जाएंगे तो उनके ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक यानी कि 2024 तक 7 साल पूरे होने को हैं। और आप समझो, सोचो कि 7 साल तक अगर किसी का प्रमोशन नहीं होगा तो वो कितना फ्रस्ट्रेट, कितना डिमोरलाइज हो जाएगा। 7 साल तक कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ, हालांकि जब ज्वाइनिंग होता है उस टाइम पे लोग वादा करते हैं कि टाइमली प्रमोशन होगा। कहाँ गया वो प्रमोशन? प्रमोशन ना मिलने की वजह से
एक दो तीन दस लोग इम्पैक्ट नहीं होते हैं, टोटल 75% FTE स्टाफ हैं AIESL में, वो सारे लोग डिमोरलाइज होते हैं, उन सारे के कैरियर पे इफेक्ट पड़ता है। पर अगर देखा जाए तो पूरे वर्क फोर्स पे इफेक्ट पड़ता है। जो स्ट्राइक हो रहा है, आपको क्या लगता है कि स्ट्राइक के बाद जो एविएशन सेक्टर है, जो AIESL है, वो कुछ दिन तक स्टेबल होगा, नहीं होगा? स्ट्राइक से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट एयर इंडिया को पड़ने वाला है। तो आखिर ऐसा काम करना ही क्यों है? जो टेक्नीशियंस हैं, जो स्टाफ हैं, उनका डिमांड आखिर दो साल पहले क्यों नहीं पूरा किया गया? और अगर प्रमोशन नहीं होगा तो दूर दूर तक कैरियर का जो ग्रोथ है वो भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये AIESL के टेक्नीशियंस तो आप छोड़ दो, अगर कोई भी होते, आप होते, मैं होता, तो इसके बारे में डेफिनेटली सोचता, डेफिनेटली स्ट्राइक करता। तो आप क्या सोचते हो, अगर आप इनके जगह पे होते तो आप क्या करते? आपके दिमाग में क्या चल रहा होता अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता, अगर आपका कैरियर ग्रोथ सही नहीं होता, अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होता, तो आप क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और दूसरा जो रीज़न है स्ट्राइक करने का, वो है न्यू सर्विस लेटर एग्रीमेंट। जी हाँ, एयर इंडिया के टेक्नीशियंस और यूँ कहें कि FTE स्टाफ के लिए न्यू सर्विस लेटर एग्रीमेंट लागू किया गया। तो ये सीधा तमाचा FTE स्टाफ के ऊपर मारा गया है मैनेजमेंट की तरफ से। डिस्क्रिमिनेशन किया गया है बिटवीन FTE स्टाफ एंड परमानेंट स्टाफ। तो आप लोग पूछोगे कि आखिर न्यू सर्विस एग्रीमेंट लेटर लाने से कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया गया है? आप किसी कंपनी में होते और आपको रिज़ाइन करना होता या कंपनी छोड़ना होता, तो आप कितने महीने पहले नोटिस देते हो? जनरली जो कंपनीज हैं उसमें कितने दिन पहले नोटिस का प्रोविज़न होता है? 1 month? मैंने भी रिज़ाइन दिया है कंपनी से, मैंने दो कंपनी से रिज़ाइन दिया है, ठीक है, आप भी ऑब्वियसली दिए होंगे, और भी बहुत सारे लोग रिज़ाइन देते हैं, हार्डली ये 1 month होता है। लेकिन इस चीज़ को भी यूज़ किया गया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के खिलाफ, 1 month से बढ़ाकर 3 months कर दिया गया कि कोई भी टेक्नीशियन अगर चाहे भी जॉब को छोड़ना, तो उसको 3 month पहले सोचना पड़ेगा कि मैं जॉब को रिज़ाइन दूँ या नहीं दूँ। 3 months पहले आप बताओ, क्या ये सही है? और जो FTE यानी कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ सर्टिफाइंग स्टाफ है, उनके लिए 6 month कर दिया गया है। तो ये किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी मैनेजमेंट अपने मर्जी से इस चीज़ को लागू नहीं कर सकता है। तो कहीं पे भी अगर जाओ तो 1 month ही होता है। ये 3 months और 6 months का भी गेम कुछ मुझे जब समझ नहीं आया, तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस तो रियली में उस वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको तो डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा। जब मैं खुद नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, जब मैं खुद नहीं इस चीज़ को सोच पा रहा हूँ कि 3 months पहले मुझे बताना पड़ेगा, 3 months पहले मुझे सोचना पड़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है स्ट्राइक करने का, वो है सैलरी रिवीजन। सैलरी रिवीजन भी नहीं किया गया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का AIESL में। क्यों? कोई भी कंपनी का रूल होता है, वो हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता ही है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। AIESL के टेक्नीशियंस के साथ जो 2 से 3 साल उनका जो सर्विस है वो कंप्लीट हुआ है, फिर भी इनका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। क्यों? ये मैनेजमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं लैक है। याद कीजिए, आप अगर आप पहले स्ट्राइक वाला वीडियो देखे हो या पहले स्ट्राइक का न्यूज़ देखे हो, तो उस टाइम पे AIESL के टेक्नीशियंस को वादा किया गया था, प्रॉमिस किया गया था कि जो आपका सैलरी रिवीजन है वो टाइमली होगा। कहाँ गया वो प्रॉमिस, कहाँ गया वो वादा? एटलीस्ट वो तो फुलफिल करो आप लोग। फोर्थ जो रीज़न है वो है यूनिफॉर्म डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? जो पहले से चला आ रहा है उसको चलने दो ना, आखिर डिस्क्रिमिनेशन करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप यूनिफॉर्म सिस्टम ला भी रहे हो तो यूनिफॉर्म लाओ ना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म, एक ही फॉर्म में सारे लोग दिखने चाहिए। आप यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हो? आप स्कूल में अगर कोई बच्चा टॉपर है, कोई बच्चा का रैंक अगर 3rd आ रहा है, कोई बच्चा का रैंक अगर 2nd आ रहा है, और कोई बैक बेंचर है, तो क्या उसका यूनिफॉर्म अलग होता है? तो अगर यूनिफॉर्म अलग होता तो जो बैक बेंचर है वो आज के टाइम पे बड़ा आदमी नहीं होता, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे जो बैक बेंचर से बड़ा आदमी बने हैं। तो उस चीज़ को स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से पॉजिटिव ले जाता है कि हाँ, सारे बच्चे एक तरह नहीं होते हैं, लेकिन जो यूनिफॉर्म सिस्टम है वो तो एक तरह हो सकता है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना लगे बच्चों के अंदर कि मैं कमज़ोर हूँ या आप ये हो। और यहाँ पे तो फिर भी एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग फील्ड है, आप एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग फील्ड में ही यूनिफॉर्म डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। चलो ठीक है, पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के अंदर ही, MRO के अंदर ही आप यूनिफॉर्म डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि AIESL में अराउंड 75% FTE स्टाफ हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज स्टाफ हैं,
और 25% ही परमानेंट स्टाफ है, उसमें भी कलर एंड क्वालिटी में यूनिफॉर्म डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। जो लास्ट यानी कि फिफ्थ रीजन है स्ट्राइक करने का, वो है प्रोमिसेस फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, जो 2022 में किया गया था। क्या क्या प्रोमिसेस था? सो ड्यूरिंग लास्ट स्ट्राइक द AISL मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रिवाइज बेसिक सैलरी, बट नहीं हुआ अभी तक रिवाइज। दे हैव प्रोमिस्ड टू इंक्लूड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। कहाँ गया वो स्कीम? अभी तक लागू नहीं हुआ कि आखिर आपका कैरियर प्रोग्रेशन कैसे होगा AISL के अंदर। इंक्लूजन ऑफ DA इन सैलरी विद इन 90 days, 2 साल होने को है, कहाँ है वो प्रॉमिस? तो जितने भी प्रॉमिसेस किए गए थे 2022 में मैनेजमेंट के साइड से, कोई भी प्रॉमिस सक्सेसफुली फुलफिल्ड नहीं किया गया। तो आप ही सोचो, आप सह रहे हो, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, पॉजिटिवली ले रहे हो, आखिर कब तक? कोई भी 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक ले सकता है, लेकिन 2 साल होने को है अभी, और क्यों नहीं लिया गया इस पर कोई एक्शन? तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्राइक बनता है, और स्ट्राइक से ही किसी ने बोला है कि अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करके घी निकालना पड़ता है। वही कहानी हो गया है आजकल हमारे देश में, हर जगह पे कहीं ना कहीं स्ट्राइक करना पड़ रहा है, सही बात को भी मनवाने के लिए भी स्ट्राइक करना पड़ रहा है, और कोई अगर गलत करे तो उसका बात ही अलग है। तो उसको तो मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि भाई इससे हमारा कंपनी भी चल रहा है, इससे ग्रोथ भी हो रहा है, अगर ये स्ट्राइक होगा, ये होगा, तो आखिर करना तो है ही, चाहे आप आज करो, 2 साल बाद करो, या 5 साल बाद करो, या 6 साल बाद करो, क्यों ना अभी कर दे, ताकि जो आपका स्टाफ है वो पॉजिटिवली इस चीज़ को ले और अपना कैरियर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। ये चीज़ इंपॉर्टेंट फोकस करना चाहिए, स्पेशली इतने बड़े सेक्टर में उनके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग सो मच फॉर देयर सैलरी, देयर DA, देयर कैरियर ग्रोथ इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो गाइस, यही था AISL के टेक्नीशियन की तरफ से जो स्ट्राइक होने वाला है उसके ऊपर कुछ डिटेल्स, कि आखिर क्यों ये स्ट्राइक किया जा रहा है, और आई होप सो कि ये स्ट्राइक सक्सेसफुल हो और मैनेजमेंट के कान तक और दिमाग तक के बात पहुँचे कि नहीं, ये स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक होने से पहले ही सारा डिमांड्स को फुलफिल कर देना चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट, और फ्रॉम माई साइड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस जो ये स्ट्राइक में शामिल होने जा रहे हैं, उनके साथ अच्छा हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एविएशन के साथ अच्छा हो, एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग फील्ड के साथ अच्छा हो, मैं ये चाहता हूँ एज एविएशन लवर। आप क्या चाहते हो? क्या ये वीडियो जेन्युइन था? ये स्ट्राइक जेन्युइन है? आप अपना व्यूज एंड रिव्यूज दोनों ही कमेंट बॉक्स में आप जरूर से दे सकते हो, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप लोग मुझसे कितना सही सोच रहे हो, और आप लोग क्या सोच रहे हो उसके ऊपर मुझे आइडिया मिले, और मैं रेगुलरली इस चीज़ को सपोर्ट करूं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं यार, उस चीज़ को सपोर्ट करूं मैं, एविएशन से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि रेगुलर अपडेट्स देखने के लिए एविएशन से रिलेटेड, AMI से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वीडियो को शेयर कर दो, ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। पहुँचना बहुत ज़रूरी है, रीच बहुत ज़रूरी है ऊपर तक। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो इंस्टाग्राम का आईडी है यहाँ पर, इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी जो आप मुझे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं किसी ने और एक्साइटिंग वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी बड़ी। सी यू। जय हिंद।